पुणे सराफ असोसिएशन यांच्या वतीने पुलवामा शहीद झालेल्या जवानांच्या वीर पत्नींना 1 लाख रुपयांची मदत करण्यात आली होती. यावेळी वीर पत्नींना त्यांच्या भावना आवरता आल्या नाही. पाहूयात. जवान शहीद झाले की काही दिवस आपण त्यांना आठवणी ठेवतो, मात्र त्यांचे कुटुंब आणि जास्तीत जास्त त्यांचे निकटवर्तीय त्यांना कायमस्वरूपी लक्षात ठेवतात. याच्याही पलीकडे जाऊन पुणे सराफ असोसिएशनने पुलवामा येथे शहीद झालेल्या वीर जवानांच्या 15 पत्नींना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांची मदत करून एक आदर्श समाजापुढे ठेवला आहे. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांच्या पत्नी या काही गर्भवती आहेत, तर काहींच्या लग्नाला नुकतेच काही महिने झाले, तर काहींची मुले 4 किंवा 5 वर्षाची आहेत. या वीर पत्नींना त्यांचे उर्वरित जीवन जगणं कठीण झालं आहे, तरीही या वीर पत्नी त्यांच्या शहीद झालेल्या पतीला शहीद हा दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. फोन आहे की हमें पत्र नहीं मिला मगर हम मात्र मिला है मगर हम आ नहीं सकते हैं. बोला सम सॉरी, आप यहां आइए, हम आपको समक्ष देना चाहते हैं और हम धनराशि इकट्ठा करेंगे और 25 जो फैमिली रहे हैं उनको भी हम ये धनराशि देने की कोशिश करेंगे. मैं अब हमारे चीफ गेस्ट बीरेंद्र जी से विनती करूंगा कि मैं जो एक एक नाम जो लूंगा वो कुटुंब के सदस्य जो मेन है उनकी पत्नी आई हुई तो पत्नी आगे आ गए और कुछ कारणवश उनकी पत्नी नहीं आ सकी तो उनके जो भाई आए हुए हैं उनके कुटुंब के सदस्य वो आगे आए. सिर्फ 2 सदस्य आगे आए और जो अगर जो पत्नी आई हुई है वो या मेरे ख्याल से किसी के तो पिताजी आए हुए हैं. इस भव्य कार्यक्रम में पुणे सराफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री रंका साहब, वाइस प्रेसिडेंट श्री नितिन साहब और कमिटी चेयरपर्सन श्री विपुल अस्तिकर साहब, मंच में आसीन सभी गणमान्य उपस्थित, सीआरपीएफ के अधिकारीगण, सीआरपीएफ के अन्य कार्मिकगण, पुणे के गण्यमान्य पब्लिकगण, सभी पत्रकारगण और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान जो सीआरपीएफ वीर परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ये हमारे लिए बहुत ही शान की बात है कि हम वर्दी वालों को पुणे सराफ एसोसिएशन ने, और जैसा कि रंका साहब ने बताया कि और भी सराफ एसोसिएशन जो हैं अगल बगल के सब ने इस कुर्बानी को पहचाना, देश के लिए जो इतना बड़ा काम किया उनके परिवार को पहचाना, मतलब हमारे परिवार को पहचाना, ये वर्दी वालों को पहचाना, इसके लिए हम पूरे सराफ एसोसिएशन को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं. पुणे की जनता